तो बात चले कर सब सही गल है फिल्टर जो हुआ लकड़ी जो हुआ बात चाहिए लकड़ी चले सच्चा हुआ अज असा काबर हिंदुस्तान में कमजोर न समझो हिंदुस्तान में वो सब जगह लगते से छाया पे है इतने जगह भी जागल पे जागल आरो पुराणो कुल भी आया ठीक है सही ओका बेहतर है मेल जा मेल भाव वॉक कंदो एक्सरसाइज डेली इन जो नतीजो ना जो ये अज सुची सेहत है पंज ताई हुआ उठो दी ना करो लो उबल न पढ़ाई और था क्या चाल तुम रात की मानी खाई रहे हो भाव ता रात की मानी कितनी खाई रहे हो थोड़ी खाई रहे हो फुलको रात की घट खाई रहे हो आज चले आज रात की छोड़ आज चले जाओ मुंह मानी सेहत में जगह रात की भाव घट खाई रहे हो रात को मानी घट खाई भाव रात को घट भाव समझो तो केतरा दफा तो रात को खाई दे कोने वजन मिठो खा दे या थोड़ो लाइट खा दे मंझन जो खाई दो फुलको सवा त रेडियो घरों खणी अचो मुंहिंजी पोइ वाइफ अलॻि खणी आई रेडियो हिते कराची हिन जो रेडियो सुबुह जो छह बजे उर्दू ॿुधायो पछतो मूंखे लॻी फारसी थोरी घणी ईंदी आहे बंगाली थोरी घणी ईंदी आहे पंजाबी थोरी ईंदी आहे दुआन सां सलामत आहे
खुशखबरियूं त हाणे असीं रुगो वेठा तकड़ में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करियूं हुनजी मुनासिबु कोन्हे, पर इहा ज़रूरु आहे त पेशरफ़्तूं थियनि पियूं, मुख़्तलिफ़ सियासी पेशरफ़्तूं थियनि पियूं सियासी धुरियुनि सां, सियासी माण्हुनि सां, ऐं उहा हिकिड़ी पेशरफ़्त ते बि असीं हुन में पॉज़िटिव पिया ॾिसूं। हिन वक़्तु सिंध जो आवाम मौजूदा हुकुमराननि खां मुकमिल तौर ते बेज़ारी ज़ाहिर करे चुको आहे। हुकुमरान हुकुमरान जा इतिहादी उन्हनि एतिरो त तंग कयो आहे हिते जे शहरनि खे, सिंध जे शहरनि खे ख़ुसूसन, पाकिस्तान में त मजमूई तौर ते जेका महांगाईअ जो बहरान थियो आहे, बदहाली थी आहे, मुआशी बदहाली, उन इन ते ज़हन ठाहे चुका आहिनि माण्हू त हाणे का तब्दीली अचे ऐं पॉज़िटिव तब्दीली अचे जंहिंसां उन्हनि जो मयारी ज़िंदगी बहितर थिए पुलनि ते, ईअं न जो ॾींहं ॾींहुं कसम परसे जी हालति में थींदा वञनि। सो इहा सूरत हाल आहे, उन जे करे सिंध यूनाइटेड पार्टी ऑलवेज़ हिकिड़े मैदान अमल में आहे। असां पूरे सिंध में हलूं पिया ऐं पंहिंजे प्रोग्राम जी पंहिंजी ॻाल्हि जी खणी हलूं पिया। असांखे उमेदु आहे, कवि उमेदु आहे ऐं अलाह जी ताक़त खां उमेदु आहे त उहा असांजी मदद कंदो ऐं अवाम असांजो साथ ॾींदो ऐं इनशा ताला असीं इन निज़ाम जी खे तब्दील करे ॾेखारे। देखिए इस वक्त तकरीबन मुल्की सतह पे और भी जमायतें हैं जिनसे हमारे रवाबित हैं, मुस्लिम लीग एन से भी हैं और पीटीआई से भी हैं और वो हैं, लेकिन हम चूँकि हमारे जो मेन कंसर्न है वो एक्चुअल वो सिंध का हक हुकुमरानी का सवाल है। हम ये कहते हैं कि जो जमायत जो हमारी खुद मुख्तियारी के इशू पे ज़्यादा वाज और ज़्यादा हमारे करीब होगी, हमारा अलाइंस फितरी तौर पे मुमकिन है कि उनके साथ हो, लेकिन ये काफ़ी अभी कबल इस वक्त है कि हम क्या करेंगे, लेकिन ये है कि हम ज़रूर कुवत बन के आगे उभरेंगे। डेढ़ लाख वोट जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल किए गए हैं, नादरा की नाअहली है, ये क्या है और आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कैसे होंगे, फेयर होंगे? और देखें बात ये है, मैं भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ता हूँ, 15-20% वोटों में गड़बड़ कहीं कहीं पे है, कहीं पे 5% है, कहीं पे 3% है, ये नहीं है इसके पेश मतलब ये कहा जाए कि जी इलेक्शन ना हो, क्यों ना हो इलेक्शन? और अगर आप पिछले वोटर लिस्टों से जिसमें 3.5 करोड़ जाली वोट थे उसको इससे कंपेरिजन करें, ये उससे 100 गुना बेहतर है, ये उससे 100 गुना बेहतर है। हाँ ये ज़रूर है कि चूंकि इलेक्ट्रॉनिक ये अपने उनके अपने कंप्यूटर की कुछ गलतियां हैं कि सिंध के वोट कुछ बलूचिस्तान में चले गए हैं या इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस यानी ट्रांसफ़र हो गए, वो तो अभी आपने डेट दिए ना 21 दिन का दिया है, अगर 10-20 दिन और भी बढ़ा देंगे उसमें जो भी है लोग अपनी दाखला करा लेंगे, दुरुस्तगी करा लेंगे, तो इसका बहाना देके कोई अगर इलेक्शन मुमिल करे या अगर ये है तो ये गलत होगा। और हम समझते हैं कि इसमें दुरुस्तगी गुंजाइश है, डिस्प्ले सेंटर्स पर लिस्टें पड़ी हैं, 21 दिन दिए हैं इन्होंने, ठीक है 21 दिन से अगर 10-20 दिन और भी बढ़ा देते हैं दुरुस्तगी हो जाए, जो भी जिसका रह गया है वो दाखिल कराए दो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से दूसरी जगह से कट जाएगा। शाह साहब ही जो मुहाजिर सूबे वो इशू थो है उन सिंध असेंबली में ठहराव मजमती ठहराव पेश थो, कल उन जन मेंबर ठहराव पेश किया, उन्होंने SMS जरिए धमकी मिली हुई, इन के बावजूद गुजरियल डी खारादर वे इलाके में इन मुहाजिर सूबे जी चाकिंग कई वही है, पोस्टर लगाया वह इन मामले से सिंध के कौमपरस्त सवाइ मज़मती बयान ॾियण जे बजाए को एहतजाज जो सर न ॾिनो आहे। इहो ॾिसो इहो त हा मैं इसके मुतलिक़ इहे आहे, हमने कल भी हमारा कराची में हैदर मंज़िल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने इसके मुतलिक़ राय दी और वो जो MQM का के आफाक अहमद साहब जो आए हकीकी वाले, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं चाहते, तो हमने कहा जो भी चाहता है वो सामने आए ना, छुप छुप के कोई भी दीवारों पे लिख दे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर कोई आता है तो उसको क्लेम करे, खुद ज़ाहिर आ जाए तो फिर हम भी मौक़ देंगे, बगैर किसी ने लिख दिया, किसी ने पोस्टर लगा दिया और कोई राय देता है, सिंध असेंबली को भी सोच समझ पे इस पे राय देनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर कौन होता है, कौन इसको ऑन करता है, तो फिर तो कोई बात की जा सकती है, जब कोई ऑन ही नहीं करता तो फिर बात करना गैर ज़रूरी है। बिल्कुलु ग़लति थींदो,
जेसी ताई कें को ने के ओन न थो करे तेसी ताई असन जी गाल ही गैर जरूरी है को गाल करे ई करे हवा में करे छे असन कोन जेस ताई को मानु ओन करे पोसा पोसी रिएक्शन करी तो फितरी थी नो 5 साल से हुकूमत में है लेकिन आप सिंध यूनिवर्सिटी का हाल देख रहे हैं कि कभी तलबा में झगड़े हो जाते हैं तो दो महीने तक यूनिवर्सिटी बंद रहती है सिंध में तालीमी मैयार को गिराया जा रहा है। देखिए बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है कि वो जब भी हुकुमरानी में आए हैं तो बैड गवर्नेंस की हर आने वाले मरतबा पहले से बुरा हाल उन्होंने किया है। इस मरतबा भी जो हुकुमरानी का तर्ज हुकुमरानी है वो गलत है। गुड गवर्नेंस की मिसाल नहीं है, बैड गवर्नेंस है। बैड गवर्नेंस में इदारे फंक्शनल नहीं रहते, पुलिस अपना काम नहीं करती, तहसीलदार अपना काम नहीं करता, कोई भी इदारा अपना काम नहीं करता। उसकी वजह से ये है। मसलन हम तो समझते हैं कि इसको हम तब्दील कर सकते हैं, सिंध यूनाइटेड पार्टी इसके लिए कोचा है और इंशाल्लाह ताला अगर हम हुकूमत में हैं तो ये जो बदतर मसाले कायम किए हैं और करप्शन, आप नौकरियाँ बेच रहे हैं, पैसों पर बेच रहे हैं, मेरिट की जो है आप जो है तजलील कर रहे हैं, तो इससे यही नतीजे निकलेंगे और क्या होगा। और यही होगा कि किसी यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, यही सूरत हाल होगी। तो यूनिवर्सिटी के आप हवाले से क्या मुताबिक यूनिवर्सिटी कि गवर्नर से ली जाए ये किसको? देखिए सिर्फ गवर्नर और इसका इशू नहीं है, मसला है कि गवर्नमेंट दिलचस्पी ही नहीं ले रही। गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट में गवर्नर भी आ जाता है, वजीर आला भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, असल बात है कि नीयत ठीक करने की है या नहीं है। अभी कोई भी कहा जाता है कि वाइस चांसलर ये प्रेसिडेंट साहब का आदमी है, अगर यही वाइस चांसलर ऐसे होंगे, इलेक्शन कमीशन ऐसी होगी, अगर यही होंगे तो नतीजे क्या निकलेंगे, यही तबाही आएगी जो मुल्क की आ रही है। अच्छा साईं यो सोबे साहब सा वां जी यार मुलाकात थी आ है, उन जी तबीयत की ही या उन से जकरे गाल बोल थी आ है तो केड़ी थी आ है? कमरेड सोबो ज्ञानचंद रानी की तारीख है 93 ईयर्स उनकी है। वो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कंबाइंड तरक्की पसंद जो एक मोमेंट थी जिसमें लेफ्ट के ज़्यादातर दोस्त थे, उसमें उसके मेन रूह रवां थे। हिंदुस्तान सतह तक जो सिंध की जो लीडरशिप जो हिंदुस्तान के सतह तक वो बराबरी करती थी उनमें से एक हैं, और 93 ईयर्स उनकी अभी तक। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड माशाल्लाह, सेहत की ख़राब होने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे हैं। असल तो यही इन्होंने ज़िंदगी में जो सीखा है वो तो आज भी उनका जहन है ना, वो जहन तो आज भी उनका काम कर रहा है। हम उम्मीद हैं कि वो ठीक हो जाएंगे।